मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाइल रेती पढ़ रहे थे, जो हाई कार्बन स्टील की बनी होगी, हार्डेंड एंड टेम्पर की होगी, और ये जो है एक प्रकार का कटिंग टूल है, जो धातु सतहों से धातु को बुरादे के रूप में अलग करता है। इस तरह से एक काटने वाला औजार है, रेती हमारी कटिंग टूल है। अब हम लोग रेती का वर्गीकरण पिछले चैप्टर या वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की और जो मुख्य रेतियां हैं उनको ज़रा देख लें। तो कुछ मुख्य रेती हम लोग देख लें। कुछ मुख्य रेतियां, पाला लिख लें बेटा, मिल फाइल, मिल फाइल नाम है, लिख लें। यह भी हैंड फाइल की तरह होती है। हैंड फाइल में ही कह रहे, तो ये भी हैंड फाइल की तरह होती है। और इस पर सिंगल कट, यानी कह रहे सिंगल कट कोस्ट में ही कह रहे सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग लेथ मशीन, पर कार्यखंडों की फिनिशिंग में किया जाता है। तो ये हो गए मिल फाइल, दूसरा लिख लें, सेकंड लिख लें रोटरी फाइल, इस प्रकार की फाइल का प्रयोग लेथ मशीन या ड्रिल मशीन के चक में बांध कर किया जाता है। इनके द्वारा
ज्यादातर छिद्रों की घिसाई की जाती है। कार्य के अनुसार ये कई बनावट में एक कार्य के अनुसार कई प्रकार के होंगे। जैसे एक मैं बना रहा हूँ ऐसे, कार्य के अनुसार ये ऐसे बनी रहेंगी। अब इन पर दांते ऐसे ऐसे कटे रहेंगे, ये दांते ऐसे ऐसे कटे रहेंगे। इन्हें जो है चक में बांधकर और छिद्र के अंदर इनको नचाया जाएगा, तो वो छिद्र की वो माने एरिया को कटिंग करके और उसको बड़ा करेंगे, ऐसा होगा। या जैसे ये इस टाइप से भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, इस पर भी दांते बने हों, ऐसे कहीं टेपर छिद्र है तो उसकी भी घिसाई कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये इसका हो गया। तो ये रोटरी फाइल है, इनको जो है हम लोग खराद मशीन अथवा ड्रिल मशीन के चक में बांध कर ही इनको हम प्रयोग करेंगे, और बेसिकली इनके द्वारा छिद्रों की घिसाई की जाती है। तीसरा हम लोग लिख लें नेडिल फाइल। नेडिल फाइल या नीडिल माने सुई होती है, तो लिख लें यह 6, 8, 10, 12 के सेट में मिलती हैं। यह फाइल सेट में मिलती हैं, एक सेट में 6 रहती हो सकती है, 8, 10, 12 ऐसे हो सकती हैं में मिलती हैं। इनका टैंग बेलनाकार वह नर्लिंग बेलनाकार वह नर्लिंग किया होता है। जो हैंडल का कार्य करता है, जो हैंडल का कार्य करता है। जैसे देख लें ये रेती इस टाइप से होगी, कार्य करता है। इनका प्रयोग ज्यादातर घड़ी साज व डाई मेकर करते हैं। इनकी आकृति बेटा आप देखें तो इस टाइप से होती है ऐसे। ये भाग जो है नर्लिंग किया हुआ है, यही है, ऐसे ऐसे नर्लिंग किया होता है। ये है नर्लिंग। नर्लिंग करने से पकड़ मजबूत हो जाती है और इन पर दांते कटे रहेंगे ऐसे ऐसे। ये हैंडल का काम करेगा और इसके द्वारा घिसाई करेंगे। ऐसे भी हो सकता है,
चूंकि ये सेट में मिलती हैं इसलिए इनकी बनावट ऐसे होती है और इधर नर्लिंग किया होता है ऐसे। ये एक तरह से ब्लेड है, इसके द्वारा घिसेंगे और ये जो है आपका टैंग है, इसे पकड़ेंगे तो ये विभिन्न आकार आकृति में, या ये ऐसे आपका हो ही गया और तीसरा बना देते हैं। तीसरा आपका ऐसे बना दिया, ऐसे भी हो सकता है, इस पर दांते ऐसे ऐसे कटे हों, ऐसे ऐसे ये इस सेट में मिलती हैं और विभिन्न शेप में बना दी जाती हैं। जैसा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इसका हम लोग उपयोग करेंगे। ज़्यादातर इसका घड़ी साज व डाई मेकर ये लोग प्रयोग करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगली फॉइल ले लेते हैं, चौथी। डाई सिंकर्स रिफ्लर, रिफ्लर फाइल, इसमें बीच में हैंडल होता है तथा दोनों सिरों पर ब्लेड होती है जो घिसाई का कार्य करती है। इसका भी प्रयोग ज़्यादातर डाई मेकर करते हैं। डाई आप जानते हैं, जहाँ ढलाई होती है वहाँ पर डाई और सांचे बनाए जाते हैं, मोल्ड जिसे कहते हैं डाई। तो उसी में हम लोग मेटल को पिघला कर डाल देते हैं या अन्य वस्तुओं को जिसको बनाना होता है तो उसी में डाल देते हैं, और फिर जैसा हमारा सांचा होता है उस टाइप का हमारा मेटल जो है कूल डाउन होकर ठंडा होकर सेट हो जाता है, फिर हम लोग सांचे से उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस टाइप की जब धातु का मोल्ड और डाई बनाते हैं, सांचा बनाते हैं, तो उनमें भी इस प्रकार की डाई सिंकर्स रिफ्लर फाइल का प्रयोग करते हैं। चित्र आप बनाना चाहें तो चित्र देख लें, जैसे इसमें ऐसे ये बीच में आपका ये वाला भाग जो है वो हैंडल हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हैंडल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा नर्लिंग कर देंगे, ये पकड़ने के लिए हो जाएगा, और इधर वाला भाग जो है मैं ब्लेड के रूप में बना देता हूँ, ये ऐसे। इधर वाला भाग ऐसे बना दिया, तो इनका भी प्रयोग हम लोग, ये ब्लेड हो गया, ये बीच में ये वाला भाग हैंडल का काम करेगा, ये वाला हैंडल का काम करेगा, और ये हैंडल हो गया आपका और ये ब्लेड हो गया। तो इसका भी प्रयोग ज़्यादातर जो है ऐसे हम लोग जो है डाई मेकर करते हैं, डाई बनाने में।
अगला हम लोग देखते हैं, अगली फाइल हम लोगों की कैंट फाइल, अगली पांचवी या जो भी है उसको लिख लें कैंट फाइल। यह रेती त्रिभुजाकार होती है, लिख लें यह रेती त्रिभुजाकार होती है, इसका ऐसे होती है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे होता है, ये कोण 120 अंश का होता है, ये कोण 120 अंश का होता है, और इधर 30 अंश और इधर भी 30 अंश का ये कोण होता है, आधार वाले कोण 30 अंश के होते हैं, ऐसा ये त्रिभुजाकार फाइल, इसे कैंट फाइल कहेंगे। यह रेती त्रिभुजाकार होती है, इसका शीर्ष कोण 120 अंश का तथा आधार के कोण 30-30 अंश के होते हैं। इसका प्रयोग तीस अंश से कम, तीस अंश से अधिक व 60 अंश से कम ग्रुप या खांचों को घिसने में करते हैं, अब हम लोग फाइलिंग की विधियां देखते हैं, कुछ विशेष जो ये ख़त्म हुआ अब हम लोग देखते हैं फाइलिंग की विधियां, बहुत इम्पॉर्टेंट। मेथड ऑफ फाइलिंग, तो तीन विधियां हैं, लिख लें तीन विधियां हैं। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग, दूसरा है क्रॉस फाइलिंग, और तीसरा है ड्रॉ फाइलिंग। हम लोग देखेंगे स्ट्रेट फाइलिंग, पहला लिखते हैं स्ट्रेट फाइलिंग, लिख लें इस विधि में रेती की लंबाई, इस विधि में रेती को कार्य की लंबाई, कार्यखंड जिसे आप जाब कहेंगे, जाब कार्यखंड की लंबाई के अनुदिश
या चौड़ाई के अनुदिश। अनुदिश सीधा चलाते हैं तब उसे स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं, इस प्रकार की फाइलिंग में कार्यखंड के बीच भाग में उभार आने का दोष ज़्यादा होता है। जब हम लोग, ये कार्यखंड है, इसकी ये लंबाई है, इस लंबाई के अनुदिश रेती को ऐसे ऐसे सीधा चलावें अथवा इसकी चौड़ाई के अनुदिश रेती को ऐसे सीधा चलाएं, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट फाइलिंग। और जब ऐसे चलाते हैं तो होता क्या है कि हम लोग जब रेती को ऐसे पकड़ते हैं, हैंडल यहाँ पकड़ते हैं और ऐसे जब चलाते हैं, तो जैसे हम लोग उधर जाते हैं तो ये रेती थोड़ा ऐसे हो जाती है, और फिर जब इधर घींच कर ले आते हैं इस किनारे पर, कार्यखंड के इस किनारे पर ले आते हैं, तो रेती ऐसे हो जाती है, और इधर जाने पर ऐसे हो जाती है। तो इस तरह से ये किनारा और इधर वाला किनारा ज़्यादा कट जाता है और बीच वाला सतह उभरा हुआ रहता है। तो वही बात आपको बताई जा रही है कि इस प्रकार की फाइलिंग में कार्यखंड के बीच भाग में उभार आने का दोष ज़्यादा होता है, तो इसी को स्ट्रेट फाइलिंग कहेंगे, लिखाया गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला लेते हैं क्रॉस फाइलिंग। तो लिख लेते हैं अगला आपकी क्रॉस फाइलिंग, ये पूछता है बहुत, तो लिख लें क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में हम लोग रेती को कर्णवत चलाएंगे, जैसे इस कोने से इस कोने की ओर अब रेती हमारी ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे कर्णवत, अथवा इधर से चलाएंगे तो इस कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर तक चलाएंगे, इस कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर तक जब रेती को चलाएंगे तो उसे कहेंगे क्रॉस फाइलिंग, अथवा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो ये इस कोने से इस कोने को जब मिलाएंगे तो इसी को कर्ण कहेंगे या विकर्ण कहेंगे। तो जब रेती हम कर्णवत चलाते हैं तो उसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। तो लिख लें, जब रेती को जाब के कर्णवत, जाब के कर्णवत चलाते हैं तब उसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। इस विधि में जाब के बीच भाग में उभार कम आता है,
अगला है ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग में जब हम लोग रेती को इस तरह से पकड़ लें, कार्यखंड हमारा मान लीजिए ऐसे है, रेती के दोनों भाग को ऐसे पकड़ लें और फिर जैसे सिल पर हमारा बट्टा चलाते हैं, जब हम लोग कोई मसाला या चटनी पीसते हैं सिल बट्टे पर, तो बट्टे को ऐसे पकड़कर और सिल पर ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो इस टाइप से जब कार्यखंड हमारा हो और कार्यखंड पर रेती को ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर और ऐसे ऐसे चलाया जाए, सिल पर जैसे बट्टा चलाते हैं उस टाइप से चलाया जाए, तो इसे कहेंगे ड्रॉ फाइलिंग। और ऐसा करने से बीच में जो उभार अगर कहीं पर है भी तो वो एकदम प्लेन हो जाता है, उभार एकदम समाप्त हो जाता है। तो इस टाइप की फाइलिंग हम लोग जो है जब करेंगे तो उसी को कहेंगे ड्रॉ फाइलिंग। तो सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है इस टाइप से, लेकिन आप समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है कि जैसे हम लोग सिल पर बट्टे को दोनों हाथों से पकड़ कर चलाते हैं, उसी प्रकार से यदि रेती को दोनों हाथों से पकड़ कर कार्यखंड पर चलाएं तो इसी को कहेंगे ड्रॉ फाइलिंग। तो लिख लीजिए, जिस प्रकार सिल पर बट्टे को दोनों हाथों से पकड़कर चलाया जाता है, उसी प्रकार यदि दोनों हाथों से रेती को पकड़कर जाप पर चलाएं, तो उसे ड्रा फाइलिंग कहते हैं। और इससे बीच में उभार नहीं आता, कार्य खंड के बीच में उभार एकदम नहीं आता है, या कहीं कार्यखंड में ऑलरेडी उभार आ गया है, आपने स्ट्रेट फाइलिंग किया है, तो उस उभार को भी समाप्त करना है तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। यदि उस उभार को भी समाप्त करना ऑलरेडी बन चुका है तो हम लोग अगर ड्रॉ फाइलिंग कर देंगे, ऐसे ऐसे चला देंगे, तो वो उभार समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ रेतियों में दोष भी है, एक देख लें। एक दोष है, कभी कभी पूछता है पिनिंग ऑफ फाइल। या क्लॉगिंग, ये क्लॉगिंग पूछता है अथवा पिनिंग पूछता है ज्यादातर कि ये क्या है, तो लिख लें, रेती के
दांतों के बीच धातु कण फंस जाते हैं तब धातु को रेती काटना बंद कर देती है। इसी को पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। यह दोष है, यह एक प्रकार का दोष है। इसे हम स्कोरर या वायर ब्रश साफ कर लेते हैं। जब इसे साफ कर लेंगे, स्कोरर क्या है? नुकीला तार। नुकीला तार को इंग्लिश में कहेंगे स्कोरर। तो उससे हम लोग जो है इन धातु कणों को निकाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर से रेती हमारा काटना शुरू कर देगी। तो इसे हम निकालने के लिए पूछता है किसका प्रयोग करते हैं, तो स्कोरर का या वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। अगली पॉइंट इसी में लिखना चाहें तो लिख लें अगली पॉइंट। ये इस टाइप का दोष जो है वो नई रेतियों में ज़्यादा आता है, तो यह दोष लिख लें, या इस प्रकार का दोष या यह दोष नई रेती में ज्यादा आता है। अतः नई रेती पर ज़्यादातर इस टाइप का दोष आता है, अतः नई रेती का प्रयोग करते समय उसके दांतों पर चाक घिस देना चाहिए। चाक घिस देंगे बेटा तो फिर जो है उसमें चिप्स कम फंसेंगे, धातु कण कम फंसेंगे। तो बचने का एक उपाय है कि नई रेती ज़्यादा काटती है, नई रेती कटिंग क्रिया ज़्यादा करती है, तो उसे काटने यदि काटते हैं तो पहले तो नई रेती द्वारा हम मुलायम धातुओं को ही काटें और उससे उसमें ये पिनिंग ऑफ फाइल वाला दोष ज़्यादा आएगा। तो उससे बचने के लिए जब भी नई रेती का प्रयोग करें तो उस पर चाक अवश्य रगड़ दें। तो यही आपको लिखाया गया कि चाक घिस देना चाहिए।
अगला एक और भी दोष आता है जिसे हम लोग कहते हैं रेती की उत्तलता। रेती की उत्तलता क्या होता है कि जब हम लोग रेती को हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं एवं हार्डन एंड टेम्पर्ड करते हैं, तो आपने कहा कि टैंक को जो है प्लेन रखते हैं, उसे हार्डन एंड टेम्पर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसको जो है गर्म करके पीट कर नुकीला बनाकर लोहार लोग उसमें लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल फिट करते हैं। तो इस तरह से टैंक को केवल प्लेन रखा जाता है और बकिया शेष उसकी पूरी बॉडी को जो है हम लोग कठोरीकृत एवं पायनीकृत करते हैं। तो आपने कठोरीकृत की क्रिया पढ़ा कि हम लोग जो है जब 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके और रेती को ऐसे उसके टैंक को पकड़कर और पानी में डिप कर देते हैं, और जैसे ही डिप करते हैं तैसे ही एक सेकेंड में उसका टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है और उसमें नवीन कणों जैसे मॉर्टेनसाइट, ट्रूइस्टाइट, सीमेंटाइट, ये केवल हाई कार्बन में आएगा, जिसमें वह इस्पात जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% है वह है हाई कार्बन स्टील, और जिसमें जितने कार्बन अधिक होगा उसका जब इस विधि से कठोरीकरण करेंगे जो आपको बता रहे हैं कि पहले उसे 500 से 700 डिग्री तक गर्म करेंगे और फिर पानी या किसी द्रव में तुरंत डिप करके या डुबो करके और उसका एक सेकेंड में टेम्परेचर 200 से 250 गिरा देते हैं, जिससे उसमें नवीन कण मार्टेनसाइट, ट्रूइस्टाइट, सीमेंटाइट का निर्माण हो जाता है और वह रेती को और ज़्यादा कठोर बना देता है। तो इसी क्रिया को हम लोग कठोरीकरण कहते हैं। तो ये जब हम लोग रेती को कठोरीकृत करते हैं इस तरह से, उसका एक सेकेंड में 200 से 250 टेम्परेचर गिरा देते हैं, तो रेती में कुछ ऐठन आ जाता है, थोड़ा सा ऐठन आ जाता है और वो बीच में हल्का सा रेती की जो सतह है जिसे हम लोग फेस बोलते हैं वो एकदम प्लेन चपटी ना होकर बीच में थोड़ा सा उभरी होती है। वो सामान्य रूप से देखने पर आपको पता नहीं लगेगा, लगेगा कि रेती एकदम चपटी है लेकिन बीच में हल्की सी उभरी होती है, उसी को रेती की उत्तलता कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दोष है लेकिन वो हम लोगों के फायदे का काम करने लगता है। कैसे करता है ये देखिए। तो पहले रेती की उत्तलता क्या है तो लिख लें, जब रेती को कठोरीकृत किया जाता है कठोरीकृत किया जाता है तो हम लोग देख रहे हैं उत्तलता। तो जब कठोरीकृत किया जाता है तब रेती में क्या है उसे डिप करेंगे, अभी पूरी बात हुई थी, तो ऐठन आ जाएगा, तो कुछ ऐठन आ जाती है जिससे रेती के की पृष्ठ पर कुछ उभार आ जाता है, जिससे रेती के पृष्ठ पर कुछ उभार आ जाता है, इसी को रेती की उत्तलता कहते हैं। ये रेती अगर है तो इसके पृष्ठ पर हल्का बहुत स्लाइट उभार होगा, वो देखने में नजर नहीं आता, तो ये एक प्रकार का दोष है रेती का। लेकिन इससे लाभ क्या होता है, जब हम लोग इस रेती से किसी सतह को फाइलिंग करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये जो उभरा हुआ दांता है वहीं पहले कट मारता है जिससे हमें ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। नोट करें इस बात को कि जब रेती का ये सतह जहाँ पर उभरा होगा, जब ये मान लीजिए कि कार्यखंड है, इस कार्यखंड पर ऐसे चलाते हैं तो पहले धातु की सतह पर रेती का उभरा हुआ दांता ही मैच करता है और वहीं कटिंग क्रिया करता है जिससे रेती चलाने में आसानी होती है। दूसरा, अगर एक साथ सारे दांते कार्यखंड की सतह को
काटने लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से रेती का ये जो भाग उभरा होता है उसकी वजह से स्टार्टिंग में हमें जो है कम बल लगाना पड़ता है। और दूसरे का एक लाभ ये भी है कि जो बीच में अभी आपको बताया कि इधर ले जाते समय रेती ऐसे हो जाती है और इधर ले आते समय रेती ऐसे हो जाती है, तो बीच में कार्यखंड का भाग उभरा हुआ हो जाता है। तो इस उत्तलता के कारण वो जो धातु का उभार बीच में बनता है फाइलिंग करते समय वो भी बहुत कम बनता है। तो ये रेती के उत्तलता का ये हम लोगों को प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये दोष कि हम लोग जब कठोरीकृत करेंगे एक सेकेंड में 200-250 टेम्परेचर जब गिराते हैं तो कुछ न कुछ ऐठन आना स्वाभाविक है, तो वो प्रोसेस है। तो उस ऐठन के कारण रेती के बीच में उभार आ जाता है, वो आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। इसी को हम लोग रेती का उत्तलता कहते हैं, एक प्रकार का दोष है। लेकिन उससे लाभ हमको फाइलिंग में हो जाता है कि बीच में जो उभार आता है वो उभार इसकी वजह से कम आता है। और जब स्टार्टिंग में हम फाइलिंग करते हैं तो धातु की सतह को ये उभरा हुआ भाग ही जो है वो टच करता है, कटिंग क्रिया करता है, इसलिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमें बल नहीं लगाना पड़ता है। ये इसके लाभ है। अब हम लोग जो है रेती का प्रयोग करते समय क्या सावधानियाँ हैं ये भी देखेंगे, और साथ ही हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए अभी हम सावधानियाँ बोल देते हैं और आप लोग नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस पर हैं वो हम लोग अगले वीडियो में, जब भी कोई अगला वीडियो अभी चलाएंगे तो उसमें थोड़ा इसका भी प्रश्न हम रख देंगे साथ में, तो दोनों प्रश्न एक साथ हो जाएंगे। तो हम लोग पहले अब देख लेते हैं इसकी सावधानियाँ, मैं बोल देता हूँ आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं है लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं उसे नोट कर लें। तो पहली सावधानियाँ लिख लें, मैं लिख देता हूँ सावधानियाँ। सावधानियाँ तो रेती का प्रयोग करते समय हम लोग विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतेंगे। जैसे पहला, कार्यखंड के अनुसार ही हम रेती का चुनाव करेंगे। रफ कार्य है तो उसके लिए हम लोग जो है कोर्स या रफ ग्रेड की फाइल का प्रयोग करेंगे। फिनिशिंग वाला कार्य है तो हम लोग फिर जो है स्मूथ या फिर वेरी फाइन स्मूथ या डेड स्मूथ रेती का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको बताया गया था कि करीब 40-48 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं, तो वो केवल फिनिशिंग कार्यों। तो इस तरह से कार्यखंड के अनुसार ही पहले हम रेती का चुनाव करेंगे। दूसरा का, रेती को जब भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो बिना हैंडल की रेती का प्रयोग नहीं करेंगे। बिना हैंडल की रेती का प्रयोग करेंगे तो हमारा हाथ कट जाएगा, हथेली कट जाएगी, छिल जाएगी, इसलिए कभी भी बिना हैंडल की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली पॉइंट, जब भी हम रेती का प्रयोग करें तो पूरी लंबाई के रेती का प्रयोग करें। हमारा जो है बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे ऐसे पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर रेती के इस भाग को जिसको टो कहते हैं उसको बाएं हाथ से और हैंडल को दाएं हाथ से पकड़ते हैं, तो ये पोर्शन हमारा जो है वो हील पर ही जाता है। तो इसीलिए हील पर आपको बताया गया कि दांते नहीं काटे जाते हैं, उसे प्लेन रखा जाता है। तो उस फिर ऐसे ऐसे पूरी लंबाई का प्रयोग करेंगे, पूरी लंबाई का प्रयोग करेंगे। और इस बात का भी ध्यान देंगे कि रेती आगे ले जाते समय जहाँ पर ये वाला किनारा है कार्यखंड का वहाँ पर रेती ऐसे प्लेन ही जाए, ऐसे ना हो जाए, और आते समय भी ऐसे ना हो जाए। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहली बात ये कि रेती का फुल लंबाई में प्रयोग करेंगे। अगर थोड़े लंबाई में ऐसे ऐसे प्रयोग करेंगे तो यहीं के दांते ज़्यादा कटेंगे और इधर के दांते रेती के नए बने रहेंगे, इसलिए पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए फाइलिंग में रेती का। अगली पॉइंट आपका है कि
कि हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही दाब देना चाहिए, क्योंकि रेती भी कटिंग क्रिया अग्र स्ट्रोक में ही करती है। तो दाब हम जो दबाकर प्रेशर देकर स्ट्रोक लगाएंगे वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाएंगे, बैकवर्ड स्ट्रोक में केवल रेती को वापस लाएंगे और फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही हम बल लगाएं। अगली पॉइंट, रेती को प्रति मिनट 35 से 45 स्ट्रोक ही लगाना चाहिए। नोट करें, 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लगाने चाहिए? 35 से 45 स्ट्रोक ही लगाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो फाइलिंग सही नहीं होगी और दूसर का आप थक जाएंगे। तो 35 से 45 स्ट्रोक प्रति मिनट ही लगाना चाहिए, पूरी लंबाई में रेती का प्रयोग करना चाहिए। अगली पॉइंट जो आप लिखेंगे वो ये है कि कार्यखंड, जो भी हमारा कारीगर है उसके कुहनी के बराबर ऊंचाई पर होना चाहिए, यानी जो वाइस है, होल्डिंग टूल, जिसमें आप कार्यखंड को मजबूती से बांधेंगे और बांधने के बाद तब उसकी रेती से घिसाई करेंगे, तो वो कार्यखंड जो है हमारे कारीगर के कुहनी के बराबर ऊंचाई तक रहे तो बहुत अच्छी फाइलिंग होती है। अब जैसा भी कारीगर होगा, अगर उसकी हाइट अधिक है तो उसकी कुहनी थोड़ा ऊपर आएगी, ऐसे कुहनी तक, तो इस हाइट में, और छोटा है तो उस हाइट में हमारा जो है कार्यखंड होना चाहिए और वाइस होनी चाहिए और कार्यखंड होना चाहिए। अगर वाइस में कार्यखंड को हम बांधते हैं तो वाइस के जबड़ों से कार्यखंड मुश्किल से 3 mm से 5 mm ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फाइलिंग करते समय चैटरिंग होगी, यानी आवाज़ निकलेगी, चिर्र चिर्र की आवाज़ निकलेगी। तो इस तरह से वाइस के जबड़ों से हमारा कार्यखंड बहुत बाहर नहीं निकला होना चाहिए, मुश्किल से 3 से 5 mm ही निकला होना चाहिए। अगली पॉइंट जो है, हम लोग रेती का जो प्रयोग करेंगे वो कभी भी पेचकस या हैमर की भांति नहीं करेंगे। पेचकस या हैमर की भांति करेंगे तो ये हार्डेंड एंड टेम्पर्ड है, वहीं से टूट जाएगी। अगली पॉइंट, जब हम नई रेती का प्रयोग करते हैं तो अभी आपको बताया गया कि नई रेती जो है उसमें ज़्यादा कट मारती है और उसमें धातु कण उसके दांतों में ज़्यादा फंसते हैं, जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, तो उस पर हम चाक का लेप जरूर करें, तब है उसका प्रयोग करें। अगली पॉइंट, कभी भी रेतियों को एक साथ इकट्ठे मिलाकर नहीं रखना चाहिए, हर रेती को अलग अलग रखना चाहिए और जो भी उसका बॉक्स या पैकेट है अगर उसमें रखें लुपेट कर या अलग रखें तो ज़्यादा ठीक है। लंबे समय के लिए अगर रेती को रखना है तो उसके ऊपर जो है थोड़ा सा मूवी ऑयल या किसी का हल्का सा उससे पोंछ कर और फिर रख दें ताकि कहीं जंग न लगे। और जब रेती का हम प्रयोग करें तो इस बात को तय कर लें कि हमारे रेती पर अथवा कार्यखंड पर कोई चिकनाहट, तो जैसे ग्रीस अथवा मूवी ऑयल तो नहीं लगा। यदि लगा है ग्रीस अथवा मूवी ऑयल कार्यखंड पर अथवा रेती पर तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, तब फाइलिंग करनी चाहिए। तो ये सब मुख्य मुख्य हमारी सावधानियां रहीं। अब इसके बाद जो है जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे या अगला जो टॉपिक लेंगे उसके साथ इसके मुख्य इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फाइल के वो आपको कराएंगे। वीडियो हम लोगों का लंबा हो रहा है और अभी देखिए इसको लोड भी करना है तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और एक अच्छी नोट्स बनाएंगे। अभी जो हमने सावधानियां आपको बोला वो मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा हूँ बेटा, तो आप लोग एक एक करके कायदे से सुनते जाएंगे और अपनी बढ़िया नोट्स सावधानी की भी लिख डालेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएँ।